हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका रेडिएंट जोन में और रेडिएंट जोन की इस गवर्नमेंट सेवा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमृत योजना का। अमृत योजना यानी क्या चीज़ है, इसका पूरा नाम यदि हम कहें तो अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन नीचे इसका इंग्लिश भी लिखा गया है, जिसे शॉर्ट में हम कहेंगे क्या चीज़, अमृत। ये शॉर्ट में क्या कहेंगे, अमृत। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ये जो है, ये योजना जो है जिसे शॉर्ट में हम अमृत कह रहे हैं, ये योजना स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी मिशन जो हमने आपको पढ़ाया था, उसका ही एक पूरक की भूमिका निभाएगी, सहयोगी की भूमिका निभाएगी। तो इस योजना के माध्यम से शहरों का, इस योजना के माध्यम से शहरों में बुनियादी ढांचा विकसित करके, शहरों में क्या चीज़ दोस्तों, शहरों में बुनियादी ढांचा विकसित करके शहरों का कायाकल्प करना है। यानी शहरों का विकास इस तरीके से करना है कि समावेशी विकास की परिकल्पना को पूरा करें, बच्चों महिलाओं और वृद्धों के विकास और उनके जीवन को आसान बनाने की संकल्पना को पूरा करें, इसके साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो, वायु प्रदूषण नगण्य के बराबर हो, एकदम कम हो। यानी कुल मिलाकर हम यदि एक लाइन में हम कहें तो अमृत मिशन जो है इसके माध्यम से शहरी ढांचा को इस तरीके से विकसित करना है कि जीवन की गुणवत्ता, जीवन को एकदम आसानी से जीने लायक बनाया जाए, एक ऐसा परिवेश बनाया जाए जिसमें जीवन जीना बड़ा आसान हो और किसी भी प्रकार की जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो बीमारियां होती है उससे में भी काफ़ी कमी लाई जाए। तो आइए यहां पर एक एक पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ अमृत स्कीम, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत योजना का शुभारंभ किया कब किया गया था, कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को की गई थी। और ये संबंधित, अगर ये सवाल आपसे पूछ दे कि जो अमृत स्कीम है, मिशन है, ये किससे संबंधित है, तो ये शहरों के बुनियादी संरचना के विकास से संबंधित है। शहरों, गांवों नहीं, शहरों के बुनियादी संरचना के विकास से ये संबंधित योजना है। आ गया, ये 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है ना। यह मिशन भारत के 500 ऐसे शहरों, ये सारी पॉइंट्स अभी याद रखनी है आपको, यह मिशन भारत के 500 ऐसे शहरों या कस्बों जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, यानी अमृत मिशन जो है ये 500 ऐसे शहरों को डेवलप किया जाएगा जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, वहाँ पे शहरी परिवारों को, शहरी परिवार जो शहर में वहाँ पर रह रहे हैं, उस परिवारों को बुनियादी सुविधाओं, जो एकदम बेसिक लेवल की होती है, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने हेतु शुरू किया गया। यानी अमृत योजना का मेन जो उद्देश्य है, ये यही उद्देश्य है कि शहरी परिवार जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको सुनिश्चित कराना। बुनियादी सुविधाओं का मतलब क्या चीज़ है, पेयजल की समस्या को दूर करना, बिजली की समस्या को दूर करना, वायु प्रदूषण जो शहरों में बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी समस्या को दूर करना, पार्कों का निर्माण करना जिसमें बच्चे खेल सकें और उनका विकास हो गए, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चे जितना खेलेंगे उतना ही विकसित होंगे, और ये सही बात भी है। तो बच्चों को खेलने के लिए, उनमें विकास होने के लिए, जो प्राकृतिक विकास होने के लिए क्या चीज़, पार्कों की उपलब्धता होनी चाहिए जहाँ पे वो बड़े आराम से खेल सके। फिर उसके बाद फुटपाथ का निर्माण करना, ऐसे गैर मोटरीकृत वाहन जो है, जो कि डीजल पेट्रोल से नहीं चलते हैं, उस तरीके का क्षेत्र डेवलप करना जहाँ पर जैसे कि पैदल के लिए, साइकिल के लिए एक ऐसा मार्ग उपलब्ध कराना जो कि सुबह सुबह जो शहरी वासी हैं उस पर टहल सके, साइकिलिंग कर सके, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम टहलेंगे सुबह सुबह तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सड़क पर तो नहीं टहल सकते, सड़क पर यदि टहलेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। तो एक फुटपाथ का निर्माण करना, साइकिल मार्ग का निर्माण करना जिस पर साइकिल चलाई जा सके, जिस पर पैदल टहला जा सके, ये सारे के सारे इस योजना में ही शामिल किया गया है। अमृत मिशन के तहत ही ये सब कुछ करने का प्रावधान है,
ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने जो उद्देश्य में लिखा है, उद्देश्य में क्या चीज है, प्रत्येक परिवार को, शहर के प्रत्येक परिवार को जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित कराना उद्देश्य है। जलापूर्ति, जल की उपलब्धता, और सीवरेज कनेक्शन, जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है हर हर क्या कहा जाए, हर घर से, ठीक है ना। तो वेस्टेज मटेरियल जो हर घर से निकलता है, तो सीवरेज कनेक्शन रहेगा, सीवरेज कनेक्शन रहेगा तभी तो वेस्टेज मटेरियल सही, उसकी निकासी सही से होगी, घर में उसका भंडारण नहीं होगा, वो अपने सही दिशा में जाएगी और जहाँ पे उसको जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये वेस्टेज मटेरियल जो है, ये शहरों की सबसे बड़ी समस्या है, अगर इनकी निकासी ढंग से ना हो सके तो बहुत सारी बीमारियों को ये न्योता देती है, ठीक है ना। तो सीवरेज कनेक्शन हर घर में हर परिवार को पहुँचाना है और जलापूर्ति की भी व्यवस्था करना है। दूसरा उद्देश्य क्या है, हरित क्षेत्र एवं खुले मैदान विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करनी। देखिए यहाँ पे अमृत मिशन के तहत क्या चीज़ है, ग्रीन एरिया जो है उसको डेवलप करना है। ग्रीन एरिया डेवलप होगा तो इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, पार्कों का निर्माण होगा, बच्चे वहाँ खेल सकेंगे, बूढ़े वहाँ पर टहल सकेंगे, सभी टहल सकेंगे, जहाँ पर स्वास्थ्यवर्धन होगा। और खुले मैदान को भी विकसित करना है। अगर जो भी शहर में ग्रीनरी ज़्यादा होती है, हरित क्षेत्र ज़्यादा होता है, पार्क ज़्यादा होते हैं, तो शहर की भव्यता में चार चांद लग जाते हैं, शहर देखने में क्या चीज़ बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीसरा उद्देश्य जो है, ये गैर मोटरीकृत परिवहन, जिसका मतलब हुआ कि डीजल और पेट्रोल के बिना चलने वाली गाड़ी। तो एक तो क्या चीज़ है, पैदल चलना डीजल पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो गैर मोटरीकृत परिवहन, पैदल साइकिल के लिए सुविधाओं का निर्माण अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना। और देखिए जी, इस योजना के तहत शहरवासियों को ये जागरूक भी किया जाएगा कि आप अपने निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। इससे देखिए यातायात समस्या जो होती है, जो ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो भी दूर होगा। तो शहरों का भी यानी शहरी वासियों का भी ये यहाँ पे एक कर्तव्य होगा, जन जागरूकता लाना होगा। सरकार तो लाएगी ही, सारी शहरी वासियों को ये बताएगी कि आप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का ज़्यादा उपयोग करिए, ठीक है ना। निजी जो परिवहन है, जो अपने निजी इधर उधर जाने के लिए सारे लोग अपना मोटर वाहन रखते हैं, कार रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, तो उसका यूज कम कीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, अमृत मिशन का जो प्रमुख तथ्य है, इसके अंतर्गत वो क्या चीज़ है, इसको देखा जाए। तो इस मिशन के तहत चिन्हित शहरों, यानी जो शहरों को चिन्हित किया जाएगा कि इसका इस मिशन के तहत डेवलप करना है, तो इस मिशन के तहत चिन्हित शहरों की आवश्यकताओं के अनुसार योजना को तैयार करना है और उन्हें क्रियान्वित करना है। और ये कार्य कौन करेगा, तो ये राज्यों की जिम्मेवारी होगी। यानी अमृत मिशन के तहत किस शहर को डेवलप करना है, 500 शहरों को डेवलप करना है, ये तो आप जान गए, और हर राज्य में किस शहर को डेवलप करना है और किस तरीके से करना है, पूरा एक खाका बना के, योजना बना के, ये राज्य का काम है। ये राज्य योजना बनाएगा, खाका बनाएगा कि हमारे राज्य के इस शहर को इस योजना के अंतर्गत डेवलप करना है, और पूरा कार्य योजना बना के वो केंद्र को भेज देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा, और फिर वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट उस योजना के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग राज्य सरकार की वित्तीय सहायता करेगी। तो सेम वही चीज़ है कि इस मिशन के तहत चिन्हित शहरों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को तैयार कर उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य राज्यों को होगा, और राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार कर केंद्र को सौंप देंगे, जिसके आधार पर केंद्रीय सहायता मिलेगी, पैसे की राशि जो है वो मिलेगी, राज्यों को दी जाएगी केंद्र के तरफ से, और ये राज्य ये तय करेगा कि कौन से शहर को डेवलप करना है, ठीक है ना। अब देखिए, एक पुरानी स्कीम थी शहरों के विकास के लिए, शहरीकरण के लिए, शहरों के विकास के लिए एक पुरानी स्कीम थी, कौन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, शॉर्ट में से JNNURM, यही पुरानी योजना को समाप्त करके, यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना को समाप्त करके उसे किसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया, अमृत मिशन में ही शामिल किया गया, अमृत मिशन में ही इस पुरानी योजना को शामिल कर लिया गया। अब यहाँ पर आइए, विशेष में कुछ बातें हम यहाँ पे जाने। तो शहरी आधारिक संरचना के विकास,
देखिए इतना में सारा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। शहरी आधारित संरचना के विकास एवं शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अमृत मिशन का मेन उद्देश्य क्या था, हमने बताया भी था। शहरी आधारित संरचना यानी बुनियादी संरचना का विकास एवं शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु अमृत मिशन जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन के ही पूरक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, पूरक के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, इससे अमृत मिशन से जहां शहरी भव्यता में वृद्धि होगी वहीं पर्यावरणीय गतिविधियां जैसे पार्कों का निर्माण, पैदल पथ आदि शहरी लोगों का स्वास्थ्य वर्धन भी करेंगे। यानी इस योजना में एक उद्देश्य क्या चीज़ है, पार्कों का निर्माण करना, ग्रीन एरिया का डेवलपमेंट करना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोग साइकिलिंग कर पाएंगे, पैदल टहल पाएंगे और बच्चों को खेलने के लिए एक जगह मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे बूढ़े सभी का क्या होगा, स्वास्थ्य वर्धन भी होगा, स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि टहलना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर है लास्ट में हमने यहाँ पर लिखा है कि इस मिशन के सफल, यदि ये मिशन सफल होता है, जो हमने यहाँ पर लक्ष्य रखा, उद्देश्य रखा, अगर वो पूरा हम कर पाते हैं सही ढंग से, इस मिशन के एक एक उद्देश्यों के प्रति यदि काम होता है और उसका क्रियान्वयन होता है, सरकार इस पर अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार फोकस ढोके काम करती है, तो इस योजना का क्या लाभ होगा, रोजगार सृजन भी होगा। और ये योजना रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। और इस मिशन की जो सफलता है वो समावेशी विकास की संकल्पना को भी पूरा करेगी। यानी जो जो इसमें लक्ष्य रखा गया है, तय किया गया है, उद्देश्य रखा गया है, यदि वो सब सही समय पर सही ढंग से यदि पूरी होती है तो समावेशी विकास की जो अवधारणा है वो यहाँ पे पूरा होगा, समावेशी विकास होगा। यानी इस मिशन के तहत केवल शहरों का ही विकास नहीं होगा बल्कि शहरों के विकास के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का विकास होगा और समाज के सभी शहरों का विकास होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि समावेशी विकास होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गवर्नमेंट स्कीम आज में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगली गवर्नमेंट स्कीम में। तब तक एक छोटी सी सहायता आप जरूर करिएगा कि अपने तरफ से 2-4-5 जितना हो सके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। ठीक है ना, ये आपका बा, ये आपकी भी क्या है, हम छोटी सी सहयोग है मेरे लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।